आईटी अवार्ड्स का एपिसोड कल रात को एयर किया गया, जिसके बाद फैंस ने ट्विटर पर आईटी अवार्ड्स ट्रेंड करवाया। बहुत टाइम के बाद ऐसे बॉलीवुड और टेलीविजन सेलिब्रिटीज़ को एक साथ कोई अवार्ड इवेंट अटेंड करते देखा गया, और यहाँ पर छाए रहे दो एक्टर्स जिन्होंने जीता बेस्ट एक्टर का अवार्ड, यानी कि हर्षद चोपड़ा एंड नकुल मेहता। ये रिश्ता क्या कहलाता है और बड़े अच्छे लगते हैं के लिए इन दोनों ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड शेयर किया, और दोनों के ही फैंस बहुत ज़्यादा खुश नजर आए। नकुल मेहता को राम कपूर के कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। नकुल ने अवार्ड लेते हुए सभी को थैंक यू कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि वो ये अवार्ड हर्षद चोपड़ा के साथ शेयर कर रहे हैं। एंड सेम गोज फॉर हर्षद चोपड़ा, जिन्होंने कहा कि अगर उनके काम को ज़रा सा भी रिकॉग्निशन मिलता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। दोनों एक्टर्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे और ऑलमोस्ट मैचिंग शेड्स में नज़र आए। जहां हर्षद चोपड़ा नज़र आए इस ऑलिव ग्रीन सूट में, वहीं नकुल मेहता भी ग्रीन सूट में ही दिखे, और दोनों के फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हुए कि इन दोनों एक्टर्स को इनके काम के लिए एप्रिसिएशन मिला। साथ ही बड़े अच्छे लगते हैं, और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीम भी ऑडियंसेस में बैठ के इन दोनों को चीयर अप करती नज़र आई। नकुल ने भी सुबह सुबह इंस्टाग्राम स्टोरी डाली और अपने फैंस को इतने सारे प्यार के लिए थैंक यू कहा, और इसके साथ उन्होंने एक छोटा सा जोक भी मारा, जहां पर उन्होंने एक इंग्लिश वर्ड बोला जिसको वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, और उन्होंने अपने फैन से हेल्प मांगी कि कोई उन्हें बता दे कि किस तरह से वो इस वर्ड को बोले। देखिए नकुल का ये वीडियो। बिग थैंक्स फॉर ऑल द मैसेजेस, कॉल्स एंड ट्वीट्स अबाउट द अवार्ड लास्ट नाइट, बट लिसन, हे, आई एम नॉट हियर टू ग्लोट अबाउट एवरीथिंग ग्रेट व्हिच इज हैपनिंग इन लाइफ, व्हिच इट इज, एंड दैट्स व्हाट वी यूज इंस्टाग्राम फॉर, बट आई एम हियर टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग आई एम रियली सॉर्ट ऑफ सफरिंग or which has really been a sore point in my life. So I'm on this entire journey of seeking, listening to a lot of podcasts on economics, politics and business, and you know, one thing for the life of me I can't sort of seek to say or find a way to say it is entrepreneurial. It's entrepreneurial, entrepreneurial. How does one say?